हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोस बायोलॉजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एसपीपीयू पेट एग्जामिनेशन के बारे में बात करूंगी। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021। ओके, बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आए थे कि मैम आप एसपीपीयू पेट एग्जामिनेशन पे वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ओके, तो इस वीडियो में मैं जनरल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी एसपीपीयू पेट की, देन पेपर पैटर्न, देन एलिजिबिलिटी, सिलेबस, बुक्स, रेफरेंसेस, फिर कट ऑफ, देन एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और एग्जामिनेशन की बात की प्रोसेस। तो अबाउट दिस एग्जामिनेशन, एसपीपीयू पेट एग्जामिनेशन दैट इज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, अगर आपको एसपीपीयू या पुणे यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जामिनेशन क्लियर करना ही होगा। ओके, ये एग्जामिनेशन मैंडेटरी है। जितने भी यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेजेस आते हैं एज वेल एज यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं उसमें अगर आपको पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जामिनेशन थ्रू ही जाना पड़ेगा। आफ्टर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपको ये पर्सनल इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, उसके बाद आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। ओके, तो ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, जो पीएचडी एंट्रेंस का पेट एग्जामिनेशन है, इसकी जो डेट थी दैट वाज 24th of August अप टिल नाउ, तो आज ही इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, विच इज 5th of September 2021। सो अराउंड 22 days आज से हमें मिल रहे हैं इसके प्रिपरेशन के लिए। ओके, आप अराउंड 10 days में इसका सारी जो सिलेबस है उसको आराम से आप ब्रश अप कर सकते हैं और इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है, विच इज 21st of August 2021। ओके, तो जिन बच्चों ने भी इसके फॉर्म नहीं भरे हैं, आई वुड सजेस्ट कि वो इसके फॉर्म भर दे और ये एग्जामिनेशन दे। ये एग्जामिनेशन काफी ज्यादा इजी होता है। ओके, पेपर पैटर्न, तो ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर है वो दो पार्ट में बटा है। देन द फर्स्ट पार्ट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसपे 50 questions पूछे जाएंगे। देन दूसरा जो पार्ट है विच विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें आपको फिर से 50 questions पूछे जाएंगे। ओके, तो टोटल आपको 100 questions अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन होगा 1 mark, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देन सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी है, तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा ये 100 questions का होगा, और यहाँ और हर क्वेश्चन को 1 mark होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, और ये जो एग्जामिनेशन है ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। आपको घर बैठे बैठे ये एग्जामिनेशन देना है। जो एग्जामिनेशन का टाइम है दैट विल बी 2 hours। ओके, हाँ, तो टाइमिंग है 10 AM to 4 PM। इनके बीच में आपको कभी भी लॉग इन करके आपको ये एग्जामिनेशन देना है। तो आपको जो स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग क्या होगा, अगर आपको 50% मार्क्स आ जाते हैं, दैट इज 50 मार्क्स, तो जनरल कैटेगरी से आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आपको 45% मार्क्स आते हैं और या 45 मार्क्स, तो आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऐसे हर ईयर का अलग अलग कट ऑफ वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं। अगर आपको 50% मार्क्स मिलते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे फॉर जनरल कैटेगरी, देन अगर आपको 45% मार्क्स मिलते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे फॉर रिजर्व कैटेगरी। ओके, तो कौन से बच्चे हैं जिनको एग्जेम्पशन मिल सकता है, मतलब आपको ये सारा एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरना है बट आपको एग्जामिनेशन नहीं देना है, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई भी क्राइटेरिया मैं जो नीचे मेंशन करूंगी, अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो आपको ये एग्जामिनेशन का सिर्फ फॉर्म भरना है, आप फिर डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर आपका यूजीसी नेट है इंक्लूडिंग JRF, ओके, अगर आपका SLET या सेट या गेट है विथ वैलिड स्कोर, तो भी आप ये एग्जाम को एग्जेम्पशन हो। देन आपके इनमें से कोई भी फेलोशिप है, CSIR, DBT, ICMR, ICAR, देन DST इंस्पायर का जो AORC फेलोशिप है फॉर PhD, देन JJEE BALS, अगर आपकी ये फेलोशिप्स है तो आप ये एग्जाम को एग्जेम्पशन है। देन जितने भी टीचर फेलोशिप होल्डर्स है, अगर आपका LS क्वालिफाई है, अगर आपका सेट है, ठीक है, तो आप ये एग्जाम के लिए एग्जेम्पशन हो, ठीक है। आपको ये एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने MPhil पास करा है फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, वो स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम के लिए एग्जेम्पशन है। ओके, तो उन बच्चों ने सिर्फ फॉर्म भरना है और डायरेक्टली इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आगे जाना है। ओके, तो सिलेबस क्या है?
तो सब्जेक्ट्स मैं जितनी भी सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी वो वही सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो लाइफ साइंस से रिलेटेड है, दैट इज बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेस. ओके, तो पहला पार्ट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसपे आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ओके, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो पार्ट है ये सारे ही टॉपिक्स के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट है विच इज सब्जेक्ट वाइज, ये डिफर करेगा. इसके ऊपर भी आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, देन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, मेजरमेंट, सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. ठीक है, ये जितनी भी मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ इनके अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स है. आपको जो ये सिलेबस रिगार्डिंग पीडीएफ है उसमें सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे. इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड पेपर राइटिंग, देन यूज ऑफ टूल्स और टेक्निक्स फॉर रेफरेंसिंग एंड राइटिंग, एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी. ओके, तो जितने भी मैंने पार्ट ए के पॉइंट्स बताए हैं उसके लिए ये रेफरेंस बुक्स वो वही पीडीएफ में मेंशनड है, तो आपको ये सारे रेफरेंसेस पढ़ने हैं. अगर आपको रेफरेंस नहीं पढ़ने हैं तो वो टॉपिक को आप गूगल कर सकते हो, उससे रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको रीड कर सकते हो. ये जो पार्ट ए है ये बहुत ज्यादा इजी है क्लियर करने को, तो आपको मोस्टली पार्ट डी पे ही ज्यादा फोकस करना है. ओके, तो पार्ट डी जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है. तो पहला पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी बॉटनी. तो बॉटनी में भी बहुत सारे पॉइंट्स है. अगर आप कोई एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. तो इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स तो सीएसआईआर और डीबीटी के लिए कॉमन ही है. ठीक है, जैसे कि सिस्टमैटिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, देन बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स, और बायोस्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट आप सीएसआईआर के लिए पढ़ते हो. ठीक है, देन बचा हुआ जो पार्ट है दैट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग या बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये वाला जो पार्ट है आप डीबीटी के लिए पढ़ लेते हो. तो मोस्टली आपका अगर आप सीएसआईआर डीबीटी इन एग्जाम्स एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट को क्लियर करना बहुत इजी है. इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा. अगर आप मेरा टेलीग्राम पे एस्टर्स बायोलॉजी करके चैनल है उसको फॉलो करते हो तो आपको ये सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो ये सिलेबस है आपको वहां पे मिल जाएंगे. ठीक है, देन फॉर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको जनरल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, देन बेसिक माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, देन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, देन अप्लाइड एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, और एडवांस्ड बायोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर टेक्निक. ठीक है, टेक्निक्स वाला पार्ट तो सारे इसमें कॉमन है, और इसमें का जो ये कुछ वाला पार्ट है जैसे कि एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, देन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया. ठीक है, ये सारे पार्ट्स आप आईसीएमआर और डीबीटी के लिए पढ़ते ही हो तो आपको वहां का और यहाँ का पार्ट काफी ज्यादा सिमिलर मिल जाएगा. ठीक है, बाकी के टॉपिक्स जो है वो तो नॉर्मल ही है. ठीक है, फिजियोलॉजी हो गया, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, ये तो सारे ही इसमें कॉमन टॉपिक्स है तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं. ठीक है, ओके, थर्ड वन इज बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी के लिए फिर से आपको सिमिलर टॉपिक्स है जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, देन इम्यूनोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी के बाद वायरोलॉजी, देन मॉलिक्यूल सॉरी माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोस्टेटिस्टिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनिमल टिश्यू कल्चर और प्लांट टिश्यू कल्चर तो आप पढ़ते ही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, देन जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स जो आप डीबीटी के लिए रीड करते हैं, देन बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल टेक्निक्स जो हर एग्जाम का कॉमन पार्ट है. ठीक है, तो आपको ये सारे कॉमन टॉपिक्स ही मिलेंगे. आपको यहाँ पे वायरोलॉजी पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. ये सारे टॉपिक्स आपको बायोटेक्नोलॉजी में कवर करने हैं. ठीक है, देन द फोर्थ वन इज एनवायरमेंटल साइंसेस. ठीक है, तो इसमें आपको एनवायरमेंटल बायोलॉजी, देन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ओके, देन एनवायरमेंटल जियो साइंसेस, देन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, देन एनर्जी एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, देन मैनेजमेंट, देन लेजिस्लेशन, स्टैटिस्टिक्स, मॉडलिंग, देन एनवायरमेंटल एजुकेशन, अवेयरनेस, करंट इश्यूज एंड केस स्टडीज. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं. इसके लिए भी कई सारे बुक्स एंड रेफरेंसेस अवेलेबल हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, इनके लिए जो बुक्स है मतलब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट है वो सेम बुक्स है जो मैंने सीएसआई नेट और डीबीटी जेआरएफ के लिए रिकमेंड की है,
तो आप मेरे वो वीडियोस चेक कर सकते हो, मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड। ओके, तो एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए? तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो 2 आवर्स का है, ठीक है? तो आपको स्टार्ट करना है विद द सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट फर्स्ट। ओके, तो आपको अराउंड 40 to 50 मिनट्स में आपको पार्ट टू कंप्लीट करना है, ठीक है? फिर आपको पार्ट वन कंप्लीट करना है अराउंड 50 to 60 मिनट्स में, ठीक है? देन आपको चेक, अगर आपको चेक करना है कि आपने सही आंसर अटेम्प्ट किए किए हैं कि नहीं, आप एंड के 10 to 20 मिनट्स में उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है? देन आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। याद रखना यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो डोंट टेक रिस्क। आपको सारे ही क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? आपको स्कोर करना है अबाउ 50 मार्क्स, ठीक है? अगर आपको अबाउ 50 मार्क्स मिलता है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे फॉर जनरल कैटेगरी। देन अबाउ 45 मार्क्स अगर आप क्लियर कर स्कोर करते हैं तो आपका ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। देन ये एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इजी है, ट्रस्ट मी गाइज। अगर आपका बेसिक पढ़ाई चालू है ऑफ CSIR नेट या DBT, या फिर आप पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो, आपको थोड़ा ब्रशिंग और प्रिपरेशन से आपका ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। ठीक है, तो अभी मैं आफ्टर एग्जामिनेशन प्रोसेस आपको बताती हूँ। अगर आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है तो आपको एक रिसर्च लैब और एक सुपरवाइजर सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? विद इन द कॉलेज, कॉलेजेस अफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी और विद इन यूनिवर्सिटी। ओके, तो अगर आपका ऐसा है कि आपने रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी चूज करा है लेकिन आपको वहां से PhD नहीं करना है, आपको किसी कॉलेज से करना है, तो आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है? दैट इज पॉसिबल। तो गाइड चूज करते वक्त आपको जो PDFs अवेलेबल है, जैसे कि नंबर ऑफ सीट्स गाइड वाइज एज वेल एज नंबर ऑफ सीट्स सेंटर वाइज, वो PDFs अवेलेबल है, उनको आपको चेक करना है और अकॉर्डिंगली आपको गाइड को अप्रोच करना है, ठीक है? देन आपको आपके सुपरवाइजर से बात करना है, गाइड से, और आपको डिस्कस करना है कि आपको, आप कौन से फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आपको कौन से टॉपिक पे PhD करना है, आपको PhD प्रपोजल के बारे में, मतलब आपका जो जिस टॉपिक पे आप PhD करोगे वो क्या होगा। ओके, अगर ये सारी चीजें आपकी PhD इंटरव्यू के पहले हो जाती है तो फिर आपको इंटरव्यू क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इंटरव्यू में यही चीजें पूछी जाती है कि आपने किसी गाइड से बात करी है क्या, आपके PhD प्रपोजल का क्या हुआ वगैरह। इट इज ओके अगर आपका गाइड चूजन है बट प्रपोजल फिक्स नहीं है, तो आप इतना बोल सकते हो कि हाँ मेरी मेरे गाइड से बात हो चुकी है, रिगार्डिंग प्रपोजल हम बातें कर रहे हैं। ओके, अगर आपकी किसी गाइड से बात नहीं हुई है तो आप ये चीज इंटरव्यू में बता सकते हो। वो आपको टाइम देंगे और वो आपको बताएंगे कि इतने इतने सीट्स खाली है, आप ये लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको अगर इस एग्जामिनेशन रिगार्डिंग कोई भी PDF डाउनलोड करना है या कोई भी अपडेट चाहिए या कोई अदर एग्जामिनेशंस के बारे में अपडेट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको ये एग्जामिनेशन के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं onastersbiology@gmail.com, ठीक है? फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब एस्टर्स बायोलॉजी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम। ओके, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।